छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं ले। आपने लिख के दिया है, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? गलत। मैं माननीय मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम प्रयादा और मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ, नो नो सर, मैं तीन ही नाम लिस्ट करूँ। नहीं माननीय सदस्य, नहीं नहीं सब प्लेज, ये आप समझाइए। हाँ सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, द चक्रव्यूह दैट हैज कैप्चर्ड इंडिया हैज थ्री फोर्सेस बिहाइंड इट। फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ मोनोपोली कैपिटल, दैट टू पीपल should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं budget को explain कर रहा हूँ sir. मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ sir. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh.
that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget is ki jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first pehla kaam is Chakravi ne kya kiya jo Hindustan ko rozgar dete hain, small and medium businesses hain jo करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। सर दूसरी तरफ आपने रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं सर, दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो मगर जब
अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको एक रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए एक रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर, जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया तीन काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे दो। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो एक मिनट, चलिए सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप लगा। स्पीकर सर, हुआ क्या वहां पे सर, मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के लिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के, उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज नो प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था, कोई बात नहीं। बट सर प्लीज नो, माने सर आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, ये आपको बेटे बेटे कौन सा नेता अधिकारी है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं। सर हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान है, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया,
वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोलो, आप बैठे बैठे चुप्पी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे, आप मत करो, मैं सब साइलेंट रहा हूं। प्लीज फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माने सर। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था, जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली भिजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली भिजवाई, धड़ 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 थाली बजाए। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर, सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्यगण आपके, एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें, वो किसी में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर। तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और बता दे। आपके सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब ऐसे प्रकार के आक्रमण करते, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के आज उन पर जब जोड़ना चाहते हैं, मर्यादा हरियाणा के, आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए उसकी मर्यादा का, ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर, सर मगर मैं ये कैसे कहूं इन लोगों के, इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर, आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट,
आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए, आप किसने कहा प्लीज बैठिए, पाइप ऑफ ऑर्डर, जानते हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, प्लीज बैठो, तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक स्पीकर सर, सर ये जो लोग, ये तो जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर, इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवे में जा रहे हैं, सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है, तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं, इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर, अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आप तो आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें, आपको संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज प्लीज, नो आई एम नॉट गिविंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, बोलने देना चाहते हैं के टिप्पणी कर रहे हैं सर, वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टरबेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी प्लीज, आपको नहीं बोलना है प्लीज, राहुल गांधी स्पीकर सर मैं हाथ समझता हूँ प्लीज, एक प्लीज स्पीकर सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी, सॉरी A1 and A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम, वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा सर, ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, it is a democracy sir, he can defend them, we allow him to defend them sir, aisa hota hai kya A1 and A2 sir, aapke sadasya happy nahi sir, maanya hai
माननीय आपके सदस्य आज बैठे बैठे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं और उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं, कोई नियोजित तरीके से आए क्या? नो माननीय हैप्पी सर, इफ द मिनिस्टर इज प्रोटेक्टिंग A1 एंड A2 सर, इट हेल्प्स अस ओनली सर, नो प्रॉब्लम. We like it, sir. Please do it again, sir. Please do it again. Sir, give me the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था. फिर शुरू हो गया. मैं सर, मैं व्यवस्था मंत्री जी, व्यवस्था था. मैं सिर्फ जब परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ. उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया. ये नियम होता है, अगर सर अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक एक वो यील्ड करना वो परंपरा है. नो मैंने व्यवस्था तहत सर, व्यवस्था का प्रश्न उठा सर, एक राउंड, एक मिनट स्पीकर सर, एक मिनट ठीक है सर, मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ. बिल्कुल सही बोला आपने, कहा मैं ये नहीं किया.